भाई पीएफ बैंक की वजह से रिजेक्ट हो गई। आपको चार रीजंस बताऊंगा, विद सॉल्यूशन भी आपको मैं बताऊंगा, स्क्रीनशॉट्स के साथ मैं आपको बताऊंगा, प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको पीएफ के रिलेटेड कुछ भी परेशानी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में। पेड कंसल्टेशन चार्जेस है, पहले पे करना होता है, जब हम आपको कॉल करते हैं बताते हैं, जब घबराओ बताते हैं हम, ओके उसी वक्त कॉल करते हैं, आपको सॉल्यूशन देते हैं। और अगर आपको पीएफ कंसल्टेंट बनना है तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना है। क्या आप भी पीएफ कंसल्टेंट बनना चाहते हैं? क्या आप भी पार्ट टाइम इनकम अर्न करना चाहते हैं? तो आप सही वीडियो पर हैं। हम 4 साल से पीएफ की ट्रेनिंग दे रहे हैं और हमने इस कोर्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पीएफ रिकॉर्डेड वीडियोस एंड पीएफ मटेरियल। सेकंड पीएफ रिकॉर्डेड वीडियोस लाइव सेशन पीएफ मटेरियल और लाइफ टाइम सपोर्ट। और साथ ही साथ हम आपको इस कोर्स में पासपोर्ट रिलेटेड और सोशल मीडिया रिलेटेड भी काम सिखाएंगे। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं सिर्फ व्हाट्सएप नंबर पर 9702392971। और एक बात और, यह काम कोई भी सीख सकता है आसानी से। तो जैसे हम आपको बता रहे थे कि पीएफ बैंक के वैसी रिजेक्शन होने के रीजंस, ओके देखिए कुछ स्क्रीनशॉट है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। पहला है, यहाँ पर रिजेक्टेड ड्यू टू नेम मिसमैच। इसमें इसका मतलब सिंपल है, आपके पीएफ के रिकॉर्ड में और बैंक के रिकॉर्ड में नाम अलग है। हो सकता है कि बीच का नाम है या फिर आपका जो फादर नेम है, कुछ भी हो सकता है, वो मिसिंग है, या फिर आपको चेक करना है बस, ओके। और आपको फिर बैंक में सही नेम अपडेट करा लेना है। यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स देखना पड़ेगा, ऐसे बहुत से स्क्रीनशॉट्स हैं हमारे पास। एक मिनट गाइस। और एक आता है रिजेक्टेड ड्यू टू आईएफएससी कोड, ऐसे बहुत से रीजन से मिल नहीं रहे अभी, मैं आपको बताता हूँ। कुछ स्क्रीनशॉट आपके लिए रख लेते हैं। देखिए नेम मिसमैच का ज़्यादा आता है। और एक आता है इनवैलिड बैंक अकाउंट नंबर। काफ़ी बार क्या होता है कि जो आपका अकाउंट नंबर होता है ना, वो आपका डोरमेंट होता है, वो एक्टिव नहीं होता, उस वजह से भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये रीज़न भी आप समझ लीजिए। एक होता है आईएफएससी मिसमैच, मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं। आईएफएससी मिसमैच में ये होता है कि आपको पता नहीं होता कि आपका आईएफएससी कोड चेंज हो गया है और आप सोचते कि यही है भाई, तो उस वजह से भी आपका रिजेक्शन होता है। तो आपको चेक करना है कि आपका आईएफएससी कोड, क्योंकि ब्रांच चेंज होता है तो आईएफएससी कोड भी चेंज होता है। और एक आता है कि रिजेक्टेड ऑनलाइन वेरिफिकेशन फेल। तो ये सारे रीजन्स हैं, इस पर आपको सिर्फ देखना है कि बैंक में कुछ ना कुछ आपकी गलती होती है तो उसको ठीक कर लो और फिर उसके बाद वापस से क्लेम अप्लाई करो, हो जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।